ऑर्डर बच गए। पर यार छोटा सा वजह है बताओ, इससे भी ना छोरा मेरे लिए है। पक्का ये भी भीग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये भीग जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो भाई, ये लगता है पी के गिरा हुआ था क्या। हाँ देखो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं मुन्ना कुमार गुड्डू, और भाई बैग वैग जो है तैयार हो गया है, अब हुआ है पोर्टर के लिए, ठीक है। क्योंकि जोमेटो में सोच रहा था, नेक्स्ट वीडियो अगर आप सब देखे होंगे तो हमारा जो है दो ट्रिप ही लगा था, लेकिन मैं बोला था कि मैं जाऊँगा जोमेटो में काम करने के लिए, लेकिन भाई जा रहा हूँ पोर्टर में। क्योंकि यार जोमेटो का जो टी शर्ट है ना, मैं किन्हीं को बोला था, वो हमारे जैसे ही मोटा थे यार। डबल एक्सेल उनको आता है टी शर्ट, लेकिन वो भी आज जा रहे हैं जोमेटो में काम करने के लिए। ये समस्या है, तो फिर टी शर्ट नहीं हो पाया, लगता मुझे मंगाना ही पड़ेगा टी शर्ट। और ये हो गया भाई, है मेरे पास, ठीक है। तू क्या देख रही है? हमारी राधा की जो जिंदगी है बिग बॉस में चल रहा है। अभी स्टॉप करवा दिया हूँ भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉप करवा दिया हूँ। बस बिग बॉस पूरा कितने बजे आता है? बिग बॉस 9, रात के 9 बजे आ जाते हैं। अच्छा, हमने रात में नहीं दे, रात में इसको जो है कैरम बोर्ड खेलने के लिए बोल दिए, नहीं खेले थे, ज़बरदस्ती खिलाए हैं भाई। अभी लगता है रात वाली देख रही हैं, है ना। अच्छा, अपना कोर्स पूरा कर रही है। तो ये देखो एक्स्ट्रा लेकिन रखना चाहिए यार। अब जो है हमें बैग में अगर रखते तो हमारा पूरा ओरिजिन जो है वीडियो बन जाता, नेक्स्ट वाला जो वीडियो हमारा बना था पोर्टर का, अब जो है ठीक है। और टाइम कितना हो गया है? 10:55 हो गया है भाई, आईडी अभी चालू नहीं किया हूँ। तो भाई टाइम देख लो, 10:58 हो गया है। अब जो है पोर्टल पे क्लिक करते हैं, चलो हम ऑनलाइन कर देते हैं। तो अब ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऑर्डर जो है आ गया है, काफ़ी देरी के बाद आया। वो आया भी है पता है कहाँ से भाई? डराने वाली जगह, बुरारी आरटीओ, और लेकर के जाना है सिविल लाइन। देख रहे हो आप, मैंने फंसाने वाली जगह जहाँ पे चलान कट रही है उधर ही जाना है, और उठाना भी वहीं से है। 127 रुपये का है, और काफ़ी देरी के बाद जो है ऑर्डर आया है। जल्दी से चलता हूँ। तो ये भाई आ गए बुरारी आरटीओ, और भाई ये घंटे कुछ मिनट तो पोर्टर बाबा का नाम जपा। बाबा की जय हो। यार ऑर्डर नहीं मिलता है, एक ऑर्डर आया 200 कुछ रुपये का, लेकिन वो कोई और ले गया। फिर ये आया दूसरा ऑर्डर, तो ये हमारे ही हाथ में आया। दुकान नंबर बताया है 4 नंबर, ये है 13, तो यहाँ से कम होते जाएगा ना। लगता है मैं एक बार यार यहाँ से जो है सामान लेके गया हूँ, पता नहीं 4 नंबर से लेके गया हूँ, कितना नंबर से लेके गया हूँ। और उस भाई का जो है ना वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा चला था, 8 नंबर, 8 तो 1, 2, 3, 5 नंबर, ये 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है यार। हाँ भैया पोर्टर, हाँ अरे 4 नंबर बोला था, 4 नंबर ये है ना, 3 नंबर है, 4 ही है। अच्छा ये है क्या, पैसे वही देंगे? ठीक, मोबाइल नंबर पीछे लिख दिया हो, चलो ठीक है, थैंक यू भैया। ये फोन को भी चुल्ल मचा हुआ है, गिरता रहता है। चलो चलते हैं, कितना किलोमीटर है? 8.4 किलोमीटर। टाइम देखो 12:23। आजकल पोर्टर बाबा का बहुत पूजा करना पड़ता है भाई, इसका नाम जपते रहो तब ऑर्डर मिलते हैं। यार मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा है, स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन टाइम में सही नहीं दिया, तभी तो 10 सेकेंड का टाइम आ रहा है मेरे पास। मतलब हमारे जैसे बंदे का यार मैं सब में काम करता हूँ, कभी उबर चला रहा हूँ तो कभी ओला चला रहा हूँ तो कभी स्विगी चला रहा हूँ, मैं सब चला रहा हूँ, इसलिए मेरा जो आवर्स है वो कम है। चलो इसको फटाक से जो है पहुँचाते हैं। तो भाई सिविल लाइन के पुलिस स्टेशन होते हुए हम आ गए ड्रॉप लोकेशन पे। अच्छा, ड्रॉप लोकेशन तो यही डला हुआ है, ये आगे वाला गेट है, आगे वाला देख लेते हैं क्या दिक्कत है। पता नहीं यार लोकेशन सही है कि गलत है। गेट नंबर 1, चलो यहीं पे आकर के कॉल करते हैं।
हेलो। हाँ सर, पोर्टल से जो है कोई डॉक्यूमेंट आया था, गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए आप, बोलिए। हाँ सर, गेट नंबर 1। अच्छा, एक नंबर गेट खड़े हो। हाँ ठीक है। कहाँ पे खड़े हो, एग्जिट गेट पे खड़े हो या एंट्री गेट पे खड़े हो? एंट्री गेट, एंट्री गेट। चलो ठीक है ठीक। आगे ला गेट पे बुलाया है यार। ये देखो डिलीवरी बॉय जा रहे हैं, पोर्टर ही चला रहे होंगे, ये लक्षण तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये तो गेट नंबर 2 है, ये कहाँ है ये? ऐसा पानी भरने का वेट कर रहे हैं क्या? इधर देखो फल फ्रूट चल रहा है, ये भी सही है भाई। ये है क्या? अच्छा आपका है? हाँ, 127 पे पे करना है सर। ये फंस, फोन कर लो उसको, जहाँ से उठाए उसी को फोन करना है। हाँ। या जो अभी जिनको दे रहे हैं उनको ना, जिसने भेजा आपको, विनीत ने भेजा ना। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक। यही यही प्रॉब्लम है भाई पोर्टल में, ये बोलेगा उधर पैसा देगा, वो बोलेगा इधर पैसा देगा। चलो पैसा कैसे भी मिल जाता है, कभी कभी फंस जाते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। कस्टमर से जब पैसे में मांगा ना कॉल करके, तो बोल रहे कहाँ से लेके आए यार, कितना दूर से लेके आओ भाई, 127 रुपये मांग रहे हो यार। अरे भाई, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ऑर्डर बच गए। अरे यार, छोटा सा बजा है, बताओ इससे भी ना छोड़ा मेरे लिए यार। छोटा छोटा, ये दूसरा ऑर्डर था, ये डिलीवर किया था ना, ये दूसरा ऑर्डर मेरे पास बजा था, लेके जाना था आनंद पर्वत, ये पीतमपुरा लेकर के जाना था। लेकिन छोटा ऑर्डर भी नहीं छोड़ते भाई, ऑर्डर कम है क्या यार? जो भी यार, हमारे जो नसीब में होगा मेरे लिए मिल जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो बहुत सारे ऐसे देखो, फिर ये तो ये बिल्कुल मेरे लिए है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। देखो 83 रुपये का, इसे कोई नहीं उठाएगा भाई, कोई नहीं उठाएगा। और सब्जी मंडी से उठाना है, मैं भी नहीं उठाऊँगा, मैं उठाऊँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठाऊँगा भाई। 83 रुपये का, मैंने इससे बड़ा ऑर्डर कोई और लेके जाए, छोटा हम ले, हम उठाएँगे ही नहीं। जा लेकर जा, जिसको लेकर के जाना है, असाइन मार दे जा। कौन सा हमारे पास जो है 10 सेकंड का वेटिंग टाइम हट गया है, जो इतना टेंशन लेना है अपने। ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं जो पैसे बारे में बोलेंगे, भाई इतना पैसा कहाँ से हो गया यार, इसमें हमारा कोई रोल है यार? कोई रोल नहीं है, हमें तो भैया बस ऑर्डर आता है, उठाना है, पहुँचा देना है, पैसा बस कंपनी डिसाइड करता है। सही बात है। तो वो भाई 83 रुपये का ऑर्डर नहीं उठाया, वो सही किया यार, हमारे पास जो है एक बड़ा ऑर्डर आ गया। बड़ा ऑर्डर बोले तो 361 रुपये का आया, लेकिन कैश लेफ्ट नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे माइनस में ज़्यादा चल रहा है। और 2 किलोमीटर से जो है पिकअप करना है, तो चलते हैं, पहले इसको पिकअप करते हैं फटाकसा। तो भाई बाइक लगा दिया हूँ इधर, और इधर हो गया हंस ट्रांसपोर्ट, ये हो गया भाई इधर है। अरे भाई यहाँ पर तो बहुत जमात है। गुरुग्राम का कोई पार्सल है क्या? गुरुग्राम का, गुरुग्राम गुरुग्राम, ये बिल्टी मंगा लो, बिल्टी मंगा उनसे। हाँ भैया, क्या बोलना है यहाँ पे? यहाँ पे ना इनका सामान मैं बिल्टी भेजता हूँ उनको। इसी नंबर पे भेज दो आप, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भेज दो। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं आपको, बिल्टी का सामान। ठीक है, अब जो है बिल्टी नंबर आ रहा है, उसके बाद यहाँ से सामान मिलेगा। ये हो गया भाई सामान मेरा। भाई पार्सल में वेट तो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 10 kg होगा। तो भाई सामान जो है बंधा गया है, और जाना है कितना किलोमीटर? चलो जी, सेक्टर 41, कितना किलोमीटर पर जाएगा? तो यार इतना टाइम लगाया तो कैसे काम चलेगा। 4-व्हीलर पे जो है 33 किलोमीटर दिखा रहा है, बाइक पे 39, देख रहे हो, बाइक पे 39 है। ओए होए होए, यहाँ पे देखो हाईवे ट्रैफिक है। अच्छा, 30,000 ही कोर्ट पे तो रहेगा ही, उसके बाद ट्रैफिक तो रहना ही रहना है। चलो निकलते हैं। तो भाई 33 किलोमीटर से जो है चल के आ गए गुरुग्राम। लोकेशन लास्ट, लोकेशन शायद यार इस स्कूल का डला हुआ है। स्कूल है क्या? हाँ स्कूल ही तो है। गार्ड वाले भैया इधर बैठे हुए हैं यार, लेकिन इतना लंबा रूट में जो है ना पिछवाड़े का बैंड बज जाता है यार। चलो कोई नहीं, कॉल करते हैं। सर ये पोर्टर से ऑर्डर लेके आया था स्कूल पे, ये मंगलम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो आप गेट पे पहुँच गए? हाँ, तो गार्ड जी को दे दूँ? गार्ड को, हाँ गार्ड को दे दो, मेरी बात करा दो। एक सेकेंड,
चलो भाई, इस ऑर्डर में फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो है अंदर नहीं जाना पड़ेगा, गार्ड जी को दे देंगे, जिंदाबाद गार्ड जी। हाँ जी सर, ये लो बात कर लो आप। हाँ सर, ये ऑर्डर जो है दे दिया हूँ, ये 20 रुपया आप QR भेजो आपको। हाँ भेजो, कितने हैं? 20 रुपये भेजो ना। हाँ हाँ ठीक है, भेज हो गया। सामान क्या है? नहीं, सामान के बारे में पोर्टल में तो अलाउड है भाई, खोल के देखना। तो भाई ये ऑर्डर कंप्लीट करते ही ये एक ऑर्डर और जो है हमें बजा था, मानेश्वर लेकर के जाना था, लेकिन भाई वो ऑर्डर जो है कोई और ले गया। और इस ऑर्डर में क्योंकि ये जो ऑर्डर था ये था 33 किलोमीटर का, अब 33 किलोमीटर में जो है मुझे 288 रुपया मुझे कंपनी दिया है, तो मुझे कितने रुपया पर किलोमीटर पड़ना चाहिए एक बार देखते हैं। ये देख लो आप, 288 रुपया है ना। अब आ जाते हैं भाई कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 288 डिवाइड 33, 8 रुपये 72 पैसे। हाँ सही है, ठीक है। तो अब जो है भाई यहीं पे ऑर्डर का वेट करते हैं, थोड़ा सा जगह जो है अच्छा है, ये देख लो जगह जो है, ये एक नंबर है ना, पूरा पार्क, इधर रोड, पीछे तरफ आगे भी रोड, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से कोई ऑर्डर मिलता है फिर उठाएंगे, बाकी बैठे रहेंगे यार, क्या दिक्कत है। A few moments later. भाई ऑर्डर उठा तो लिया हूँ, लेकिन हमारे पीछे पीछे भगवान भी आ रहे हैं बरसते हुए। क्या बात कर रहे हैं? कस्टमर को पहले ही कॉल कर दिया भाई, अपना जो भी सामान है पन्नी में पैक करना यार, नहीं तो बारिश आने वाली है। कैसे बोल रहा, बारिश आ रही है? अरे घर से निकलो यार, तभी ना बारिश पता चलेगा। मौसम जो है बिल्कुल बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। हो सकती है क्या? होने वाली है। इधर पीछे देखो, पीछे, सॉरी यार कैमरा तो आगे लगा हुआ, पीछे कैसे नजर आएगा, अभी दिखाता हूँ। ये टर्न घूम गए, देखो है ना, खतरनाक मौसम बनता रहा है, बारिश होते हुए आ रही है और हम जा रहे हैं इधर। यार बारिश में कुछ भीगने वाला सामान ना है? कोई दिक्कत नहीं है। पक्का ये भी भीग जाए कोई दिक्कत नहीं है? है? ये भीग जाए कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो फिर ठीक। अच्छा पन्नी उन्नी रहता कोई दे देते है? पन्नी कोई नहीं है? पन्नी में वो सामान जानी पड़ेगा। अच्छा ठीक भाई, देखो सामान जो है ये कार्टून मिला है, और मैं पहले ही बोल दिया था कस्टमर को कि पन्नी में भाई भर देना, लेकिन बोला कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हार्डवेयर के अच्छा सप्लीमेंट है क्या? अरे यार ये तो बॉडी बनने वाली चीज जा रही है भाई इसमें। ऐसे कौन खाता है भाई? हम ध्यान ही नहीं दिए। यहाँ से कटने है क्या? और यार मैं जो है ना बहुत ही समझदार आदमी हूँ, पूछो मत आप। बोलो क्यों रेनकोट लेके नहीं आया हूँ? मैंने बारिश में काम करने में आ गया हूँ, पर रेनकोट लेकर के नहीं आया। वाह, तो भाई बारिश जो है आ गई है और खतरनाक बारिश आई है, खतरनाक अगर आप सबको दिख रहा हो तो, ठीक है। और ऊपर भाई मेट्रो का लाइन बचा लिया मुझे, और आगे देखो अगर जूम करूं, ये देखो एक बंदा पी करके गिरा हुआ, ये देखो दो आदमी उठाने वाले हैं, पूरा नशा का मजा ले रहे हैं भाई। जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, अभी उठा करके इसको लेके आ रहे हैं, पी के बंदा आगे जो है गिरा हुआ था, अभी लेकर के इसको आ रहे हैं इधर। A few moments later. तो बारिश जो है भाई हो गया है बंद, और ये जो भाई यहाँ पे गिरे हुए थे किधर गए? किधर गए पता नहीं, किधर गए। हाँ ये बंदा देखो खड़ा है, और ये हुआ क्या था भाई, मैं बोला था दारू पी के गिरा हुआ है, पर दारू पी के नहीं गिरा हुआ था यार, मिर्गी आ गया था यहाँ पे गिरे हुए थे। अब भाई आज का टाइम ऐसा आ गया है ना कि अगला दारू पी के गिरा हुआ है या ऐसे कुछ हो रखा है, पता ही नहीं चलता। आदमी अगर मर भी जाए, मरा हुआ पड़ा रहता है जो, पता ही नहीं चलता कि आदमी को हुआ क्या है। ऐसे ही बोलेगा सर, दारू पी के गिरा हुआ है ना,
सिचुएशन ही ऐसा भाई, टाइम ही ऐसा है। और उनके जो भी ग्रुप के लोग थे, अगला को छोड़ के चला गया, फिर जो तीन लोग उसको उठा करके लाए थे ना, कोई और आदमी था, वो ग्रुप का नहीं था। इधर लगता है कहीं फैक्ट्री उक्ट्री में काम करते हैं ये सब। और देखो पानी ये भरा हुआ है, ये मौसम झकास हो गई भाई। अरे यार, अरे 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 अरे, अब जो है गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है ना भाई। भीगते भीगते जो है हम आ गए हैं ड्रॉप। भैया गुज्जर चौक किधर है? फिर सीधा, अच्छा सीधा, सीधा। भाई लोकेशन जो है गलत डला हुआ है, और वहां से यार बारिश छूटा है, आगे निकले आगे बारिश पकड़ लिया। हमें तो दिक्कत इस बात की है कहीं कार्टून जो है ना रबर से फट ना जाए। गुज्जर चौक पे जाना है यार, और मैं भीग भी गया हूँ भाई। और यहाँ से हमारा घर काफी दूर होगा, काफी दूर होगा, 40-45 किलोमीटर होगा ही, पता नहीं ज्यादा ही रहे। भैया गुज्जर चौक आगे यार, कहीं भी जाओ ना एक गुज्जर चौक होता ही होता है। कोई भी एरिया में एक गुज्जर चौक जरूर रहेगा, गुज्जर चौक या यादव चौक 100% आपको मिलेगा। और कौन सा है भाई गुज्जर चौक? भाई गुज्जर चौक आगे, चौक तो यही है यार। चला इससे पूछते हैं, भैया गुज्जर चौक यही है? गुज्जर चौक यही है ना? चलो भाई पेमेंट आप कर दो सर। पेमेंट कितने डिलीवरी का आपका हो गया? 125। ओके भाई इस ऑर्डर को करते हैं फिनिश, और आईडी को करते हैं बंद, ठीक है। और कितना हो गया पोर्टल में इनकम? चलो इधर आ जाओ जी, 868 रुपया। अब जो है यहाँ से भाई चालू करते हैं रैपिडो और ओला, क्योंकि मैं भाई भीग गया हूँ यार, सूख जाएगा। और यहाँ से जो है क्योंकि अब 6 बज गया है, तो पोर्टर पता नहीं किधर भेज दे यार, तो इसलिए जो है ये दोनों ठीक है। और पता नहीं मैं अभी घर से कितना दूर हूँ, मैं ये भी नहीं देखा हूँ यार। मेरा अंदाज़ा जो है ना एनी टाइम परफेक्ट निकलता है। ये देखो 40 किलोमीटर मैं बोल रहा था ना, 41 किलोमीटर जो है मुझे जाना है, मैंने यहाँ से जो है हमारा घर 41 किलोमीटर है। तो गो टू होम में भाई रैपिडो और ओला ही सपोर्ट करेगा, पोर्टर के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रह सकते यार, पता नहीं वो किधर फेंक दे। तो भाई गो टू होम हो गया सेट दोनों में, अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा। ये काफ़ी इस गांव में यार हमें लगता है कि कोई ऑर्डर मिल पाएगा। यहाँ से थोड़ा सा निकलते हैं रोड तरफ चलते हैं। आज भाई रैपिडो बिल्कुल भी ऑर्डर ही नहीं दे रहा। क्यों? बिल्कुल ऑर्डर नहीं दे रहा भाई। मैं 16 किलोमीटर मैंने चल के आ गया हूँ, धीरे 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 जो है चल के आ गया हूँ, पर ऑर्डर नहीं बजाया है। ये देखो 25 किलोमीटर शो कर रहा है ना, मैं 41 किलोमीटर पे था, 25 किलोमीटर तक आ गया हूँ। रैपिडो जो है समझ गया है कि बेटा तू बहुत मतलबी आदमी, जब गो टू होम चाहिए तब तू मुझे ओपन करता है, ऐसे तो तू मुझे पूछता भी नहीं है। चलो एक मक्के खाते हैं यार। कितने का? 20 रुपये का। भाई मकई खाते खाते जो है एक रैपिडो का ऑर्डर हमारे पास आया, राइट था, ऑर्डर नहीं था, पार्सल का ऑर्डर नहीं था, राइट था। लेकिन रैपिडो जो है ना फिर वही पुराना वाला सिस्टम कर दिया, एक बार किया था मैंने, अपने राइड को जो है 3-4 लोगों के पास भेज रहा है, जो जल्दी उठा लिया उसके पास वो चला गया यार, देखने का टाइम भी नहीं मिलता। इंडिया गेट जो है लेकर के जाना था तो मैं काफ़ी नज़दीक चल जाता, लेकिन मेरे हाथ में ऑर्डर आया नहीं। भाई ऐसा जाम में फंसा हो ना, खतरनाक भाई। ओ तेरी के, यहाँ पे जो है कम से कम हो गया होगा 1 घंटा से मैं फंसा हूँ, और अभी पता नहीं यार कितना और टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा। A few moments later. आज भाई ऐसे जाम में फंसा था मैं, मैंने 2012 से मैं दिल्ली में हूँ, पहली डिलीवरी लाइन में जो है 2016 से हूँ, पहली बार भाई ऐसे जाम में फंसा हूँ। 2 घंटा बिल्कुल मैं खड़ा रहा हूँ, मतलब जो घर में पहुंचने वाला था 7:30 बजे, 7:30-7:45 बजे,
वो 10 बजे मैं पहुंचूंगा। और पता है आज जो है ना ओला भाई इतना घटिया काम किया है ना, ओला के वो इतना खुंदक आ रहा है मुझे कि जो बंदा मुझे राइड दिया है ना अगर वो सामने रहे तो उठा उठा के पटकूंगा। और क्या है कि मैं गोटू होम सेट कर दिया था, और मैं पहले भी मैं कितने बार वीडियो में बोला हूँ कि ओला में जो है गोटू होम सेट करने के बाद उधर का ही राइड आपको मिलता है। तो हमारे पास राइड आया एक, तो मैं उसे उठा लिया, मैंने देखा किधर जाना है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस से समझ में भी नहीं आता कि भाई किधर जाना है, मैं लगा हाँ उधर कहीं होगा, मैं उठा लिया। और मैं ट्रैफिक से निकल के आ ही रहा था, और आने के बाद जो है जैसे ही राइड आया तो हम पिकअप करने के लिए गए कस्टमर को, वो अलग से मोटा आदमी, ए भगवान, जब मैं अगले को बैठाया ना मेरी हैंडल इतनी कांप रही है, लेकिन जैसे तैसे करके बैठा लिया, क्योंकि बारिश होने के बाद बहुत ज्यादा देखो यार ट्रैफिक हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अब बैठाने के बाद जब मैं लोकेशन देख रहा हूँ तो मैं जिधर से आया हूँ फिर मुझे उधर ही भेज रहा, मैंने 7 किलोमीटर फिर से मैं पीछे चला गया। क्या बात कर रहे बाबा, ले भाई हो गए सत्यानाश। और उधर से जब आने लग गया मैं तो ये जो शास्त्री पार्क जो चौक है वहाँ पे भाई फंस गया। फंसने के बाद वहाँ पे तो इतनी खतरनाक जाम लगा हुआ है, अगर कोई कश्मीरी गेट तरफ से जो है अगर उधर कपड़े की मार्केट जो है उधर अगर जा रहा है तो भाई साहब जो जाम है, और उधर से आने के बाद जो चौक पे जाम लगा, भाई मैं अभी घर जो मैं पहुँचना था 7 बजे मैं पहुँचूंगा 10 बजे, देखो 10 बजने वाला होगा, 9:46 देखो हो गया। तो मैं भाई आ गया घर, और अगर आज की इनकम की बात करूं तो यार इनकम से ज़्यादा तो हमें लगता है पेट्रोल ही खर्चा हुआ होगा, 300 तो लगता है हमें हमारे अंदर से पेट्रोल ही खर्चा हो गया होगा। तो 868 रुपया जो है ये हुआ था पोर्टर में, और ओला में जो एक ट्रिप लगाया हूँ ये सबसे घटिया ट्रिप इसी को बोलूँगा मैं, 65 रुपये का। ये देखो अब इसमें जो है कैलकुलेटर करते हैं तो 993 रुपये का जो है काम हुआ है, और माइनस कर दो भाई 633 रुपया। तो ये जो है ट्रैफिक की वजह से जो है 300 में जोड़ रहा हूँ, नहीं तो 200 रुपया बहुत था पेट्रोल का। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे भाई एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट वीडियो में।